चलिए 51 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही विकल्प चयनित करें। सूची 1 में 4 मॉडर्न इंडिया के महान नेताओं के नाम हैं। पहला राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र सेन, सी दयानंद सरस्वती और डी रामकृष्ण परमहंस। दूसरी तरफ उनके कृत्य हैं, उनके क्रियाकलाप हैं, उनकी पहचान है। राजा राम मोहन राय को चौथे नंबर से जोड़िए। उन्होंने यह दावा किया कि हिंदू धर्म का शुद्ध रूप उपनिषद में पाया जाता है, यानी उन्होंने वेदांत दर्शन पर आधारित हिंदू धर्म की व्याख्या की थी और उसी के आधार पर समाज को सुधारने का प्रयास किया था। सो ए इज कनेक्टेड विद 4। बी केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बने थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज को बंगाल से पूरे भारत में फैलाया था। इन्हें कनेक्ट करिए पॉइंट नंबर 1 से। उनका यह मानना था कि ब्रह्मवाद को हद तक वैश्विक धर्म बनना चाहिए। उनका मानना था कि जो ब्रह्मवाद है, यानी जो राजा राम मोहन राय ने जो फिलॉसफी स्टैब्लिश की थी, उस ब्रह्मवाद में मानवतावाद और तार्किकता ऐसे विषय थे जिसको वैश्विक स्तर पर फैलना चाहिए। सो केशव चंद्र सेन को पॉइंट ए से कनेक्ट कर दीजिए। तीसरे व्यक्तित्व है दयानंद सरस्वती। इनको पॉइंट 2 से कनेक्ट करिए। हिंदुत्ववाद की पहचान धर्म के साथ की, जैसा कि वेदों में कहा गया है। इनका स्टेटमेंट है वेदों की ओर लौटो। ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर लौटने का स्टेटमेंट दयानंद सरस्वती का है। सो इन्होंने हिंदू धर्म की व्याख्या वेदों के आधार पर की थी। चौथे व्यक्तित्व है रामकृष्ण परमहंस। ये विवेकानंद जी के गुरु थे। इन्होंने कहा था कि ईश्वर को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं और उन्होंने विशेष मार्ग आध्यात्मिक मार्ग को प्रारंभ किया था। बाद में आध्यात्मिक मार्ग को ही उन्होंने स्वीकार किया था। इस प्रकार ए को 4 से, बी को 1 से, सी को 2 से और डी को 3 से जोड़िए और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन डी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को कनेक्ट करेंगे। ए इज कनेक्टेड विद 4, बी इज कनेक्टेड विद 1, सी इज कनेक्टेड विद 2 एंड डी इज कनेक्टेड विद 3 एंड योर आंसर इज डी, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन। ये भी सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट से में से सत्य उत्तर का चयन करें। सूची 1 लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 इज रिलेटेड विद पीस एंड मूवमेंट एंड लिस्ट 2 इज देयर लीडर। एक तरफ किसान आंदोलन के नाम है और दूसरी तरफ उनके नेता या उनके अनुयायी यानी फॉलोअर्स है। पहला है बक्स भूमि आंदोलन। बक्स भूमि आंदोलन का संबंध है कार्यानंद शर्मा से, यानी ए को 4 के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ए का आंदोलन का संबंध है मदारी पासी से, यह आधुनिक उत्तर प्रदेश जो जमाने में संयुक्त प्रांत कहलाता था, ये वहां का आंदोलन था। इस आंदोलन में मदारी पासी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो बी को 3 से कनेक्ट कर दीजिए। सी है मोपला विद्रोह। कुनज हाजी साहब की भूमिका है इसमें। मोपला विद्रोह दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरला तट पर मुसलमानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया आंदोलन था, जो नमूदरी पाल ब्राह्मणों के अगेंस्ट मुस्लिम किसानों के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व किया गया था कुनज हाजी साहब के द्वारा। नेक्स्ट है अवध किसान सभा आंदोलन। इसके लिए बाबा रामचंद्र देव या रामचंद्र कुका साहब का नाम आता है, इनके साथ इन्हें कनेक्ट कर दीजिए। इस प्रकार ए को 4 से, बी को 3 से, सी को 2 से और डी को 1 से कनेक्ट कर दीजिए एंड योर ऑप्शन इज ए, आपका विकल्प होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। प्राचीन भारत में गुप्तकालीन गुफा चित्रकारी के केवल 2 ज्ञात उदाहरण है। इनमें से एक अजंता गुफाओं की चित्रकारी है। गुप्तकालीन चित्रकारी का दूसरा विद्यमान उदाहरण है। 4 ऑप्शन में ए ऑप्शन बाघ गुफाएं सही है। इसे डेंजर फील्ड महोदय ने 1816 ईस्वी में ढूंढा था। बाघ गुफा मालवा रीजन में या वेस्टर्न मध्य प्रदेश में धार नाम के जिले के पास का इलाका है। ठीक है, तो योर ऑप्शन इज ए।
There are only two known examples of cave painting of the Gupta period in ancient India. One of these is painting of Ajanta caves, whereas the other surviving examples of Gupta painting is Bal cave. So your option is A. Answer of 53 number question is A. Right? Next. Question number 54. प्रारंभिक भागवतवाद के महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? Which of the following were important characteristic of early Bhagavatism? Devotion is right. Action is again right. Knowledge is right. Social rigidity is wrong. Self sacrifice, or you can say tyaga, is also a right pattern of Bhagavatism. प्रारंभिक भागवतवाद में महत्वपूर्ण विशेषताओं में भक्ति, कर्म, ज्ञान और आत्मबलिदान शामिल है और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन बी. 1, 2, 3 और 5 जो डायमेंशन हैं या 1, 2, 3 और 5 जो बिंदु दिए गए हैं वो सही हैं, सिर्फ इसमें चौथा नंबर गलत है. सो योर ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. Which of the following classical works of literature were written during the Gupta era? Amarkosh, Kamsutra, Meghduta or Mudra Rakshas? Char ki charu literature sahi hai. So your answer is D, all of these. Sahitya ki nimnlikhit shastri kritiyon mein se kaun Gupta kaal mein likhi gayi? Number 1 hai Amarkosh, jise Amar Singh ne likha. Ye ek vyakaran sahitya hai. कामसूत्र जिसे वात्स्यायन ने लिखा. ये ह्यूमन संतानोत्पत्ति यानी बच्चे पैदा करने के दौरान पुरुष और स्त्री के द्वारा किए जाने वाले सेक्स संबंधी विभिन्न आसनों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है. नेक्स्ट मेघदूत महाकवि कालिदास ने लिखा. चौथा है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया. ये चार की चारों पुस्तकें गुप्त काल से संबंधित है. सो उपरोक्त सभी आपका उत्तर सही है. 55 का विकल्प होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56. भारतीय स्थापत्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार. चार ऑप्शन है, सॉरी स्टेटमेंट तीन है, चार ऑप्शन है, एक आपको सही करना है. अशोक के शासनकाल में कला के गांधार केंद्र को बड़ा संरक्षण प्राप्त हुआ. यह गलत है. गांधार कला का उद्भव मौर्यों के बाद हुआ है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है. और गांधार कला का जो संरक्षण है वो शकों और कुषाणों के द्वारा किया गया था, विशेषकर कुषाण काल में इसका महत्वपूर्ण संरक्षण हुआ. दूसरा, गुप्त वंश के शासकों ने कला के मथुरा केंद्र को संरक्षण प्रदान किया. इस केंद्र ने बौद्ध चिन्हों का मानवीयकरण करने की प्रथा को जन्म दिया. गुप्त वंश के पहले उत्तर मौर्य काल के दौरान ही मथुरा कला का विकास हो चुका था. इसे गुप्तों ने संरक्षण नहीं दिया, विशेषकर गुप्तों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया था, उन्होंने हिंदू धर्म की वैष्णव शाखा का संरक्षण दिया. ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है. तीसरा स्टेटमेंट है, कला के बौद्ध केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां भगवान बुद्ध की खड़ी तथा बैठी हुई अवस्थाओं में दिखाया गया. ये बात सही है. महात्मा बुद्ध की वैसे लेटी हुई मुद्राएं भी मिली है, लेकिन गांधार और मथुरा कला में सामान्यतः उनकी खड़ी और बैठी मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण किया गया है. सो केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है. ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन डी, केवल तीन आपका सही है. राइट, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेंपल्स आर्किटेक्चर. नंबर 1 स्टेटमेंट, द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ गोपुरम्स अपीयर्स ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड इन द 12th एंड 13th सेंचुरी. दिस इज रॉन्ग, Pallavas are related with 16th to 9th century. So the time period is wrong. So first statement is wrong. Second, the Chola architecture achieved its peak at Tanjavur, the capital established by Chola ruler Rajendra Pratham. It is right. Third one is, the city of Tanjavur was studded with so many temples that it was called Kovilapura. बिल्कुल सही है. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज राइट एंड योर राइट ऑप्शन इज बी. ओके, मंदिर निर्माण कला की क्वेश्चन नंबर 57 हम कह रहे हैं, बात 57. मंदिर निर्माण कला की दक्षिण भारतीय शैली के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं.
पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट सही हैं। इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा केवल दो और तीन, यानी बी ऑप्शन को सही कर दीजिए। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन। स्वाधीन अवज्ञ आंदोलन भारत के पूर्व गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से 11 बिंदुओं की मांग की, निम्नलिखित में कौन सा इसमें शामिल नहीं था? अब चार पांच स्टेटमेंट से उनमें से कौन सी चीज गांधी जी के द्वारा की गई मांग में शामिल नहीं थी, यह आपको पकड़ना है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से अगर पता हो, गांधी इरविन के बीच में कौन कौन सी बातें हुई थी, अगर ये पता हो तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। चलिए मैं बता देता हूँ, जब हम क्लास पढ़ाते हैं तो 11 बिंदु जो उन्होंने मांगी थी, 11 बिंदुओं की हम लोग चर्चा करते हैं, मांग क्यों की गई थी, अंग्रेज क्यों नहीं मान रहे थे, मानते तो उनका क्या नुकसान था, हमारे क्या फायदा था वगैरह, तो ये चीजें याद रहती। अगर आपको याद नहीं होंगी तब ये क्वेश्चन आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, भू राजस्व में 50% की कमी और नमक पर सरकार का एक अधिकार, वह नमक कर की समाप्त। ये तीनों ही बातें गांधी ने मांग की थी कि किसानों से बहुत टैक्स वसूला जा रहा, लिहाजा उनका टैक्स 50% कम कर दीजिए। नमक हमारे देश में समुद्र तटीय नागरिक, स्वयं नागरिक नमक बनाते थे, इस्तेमाल भी करते थे और अतिरिक्त नमक को बेचा भी करते थे, जबकि अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, क्षेत्रीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार भी छीन लिया और उसका भारी टैक्स भी लगा दिया गया। इसीलिए गांधी जी ने अपनी मांग में ये तीनों बातें रखी। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही है, और हमें चूंकि गलत ढूंढना है इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, रुपए स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को कम करना, वस्त्र उद्योग को संरक्षण व भारतीयों के तटीय नौवहन पर आरक्षण, ये तीनों बातें भी गांधी जी की मांगों में शामिल थी। नेक्स्ट, सिविल प्रशासन पर खर्च और सेना के खर्च में 50% की कटौती, ये बात भी बिल्कुल सही थी। गो हत्या निषेध, गांधी जी ने यह मांग नहीं की थी कि गाय को न काटा जाए, मैं मार दे, ये मांग गांधी जी की मांगों में शामिल नहीं था। तो फोर्थ नंबर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिफ्थ, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई वो आर्म्स एक्ट में परिवर्तन किया जाए, ये बात भी सही है। सो पांच स्टेटमेंट आपके सामने थे जिसमें गांधी जी की 11 मांगों में से ज्यादातर मांगों को समेट लिया गया। सभी मांगे जो ऊपर लिखी हैं सब गांधी जी ने मांगी थी, सिर्फ एक मांग को छोड़कर। गांधी जी गौ हत्या का मुद्दा नहीं उठाते हैं अंग्रेजों के सामने, कभी भी नहीं उठाया पूरे आंदोलन के दौरान। सो ये चौथा स्टेटमेंट गलत है और ऐसा आंसर है डी। सो योर आंसर इन 58 नंबर क्वेश्चन है डी, आंसर डी को आप सही कर। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। स्टेटमेंट नंबर वन, द राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फॉर्मड बाय वीरेश लिंगम पुलनेमित कुंतलु विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोटिंग विडो रीमैरिज एक्ट, राइट, दिस इज राइट, बट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सो टेक्निकली आपका आंसर नहीं होगा। स्टेटमेंट नंबर टू, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय एमपी रनाडे एंड रघुनाथ राव लॉन्च द फेमस प्लेज मूवमेंट टू इंस्पायर द पीपल टू टेक ओथ्स ऑफ प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, इट इज ऑल्सो राइट एंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दिस इज नॉट योर आंसर। अगेन स्टेटमेंट नंबर थर्ड, थर्ड इज अहरार मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन ऑपोजिशन ऑफ लॉयलिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट एंड एडवोकेटेड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम इन द नेशनल मूवमेंट, इट इज ऑल्सो राइट एंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो देयर वर नो एनी रॉन्ग स्टेटमेंट, सो सर्च द रियल आंसर ए बी सी एंड डी, योर राइट आंसर इज डी, नाइदर ऑफ द अबव। हिंदी में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीन के तीनों स्टेटमेंट सही हैं और हमसे कहा गया इनमें से कौन सा गलत है ढूंढिए, सो कोई भी गलत नहीं है और ऐसा विकल्प आपके सामने है, उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी को आप सही करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। इसमें तो पांच बातें कही गई हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, आपको इन कथनों पर विचार करते हुए सही कथन यानी सही बात क्या है वो बतानी है, गलत क्या है उसको सेग्रीगेट करना है। चलिए हम बताते चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर वन कहता है अमृतसर के बाग में भीड़ अपने नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जमा हुई थी, ये सही बात है। कांग्रेस स्वागत समिति के सदस्य सैफुद्दीन और किचलू साहब को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर रखा था,
उनकी गिरफ्तारी के अगेंस्ट लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर के जालियांवाला बाग, ये बात सही है। दूसरा, जनरल डायर उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, दिस इज रॉन्ग। जनरल डायर एक आर्मी पोस्ट है, वो ब्रिगेडियर जनरल था। जनरल डायर नाम का व्यक्ति, ब्रिगेडियर आर डायर था, ब्रिगेडियर आर डायर एक सैनिक पदाधिकारी था, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक पॉलिटिकल पोस्ट थी। तो ये वो स्टेटमेंट गलत है। यहां लिखा है कि जनरल डायर उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, गलत बात है, वो ब्रिगेडियर जनरल था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर तीन, माइकल ओ डायर वो व्यक्ति था जिसने नियति भीड़ पर फायरिंग का आदेश दिया, गलत है। माइकल ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, गोली चलाने का आदेश ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट को क्या किया गया, उलट दिया गया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसको सैनिक आदेश देने वाला बताया गया, जो सैनिक आदेश देने वाला था उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बताया गया। सिर्फ ये देखने के लिए कि एक बारीक सा अंतर आपको करना आता है कि नहीं, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था और ब्रिगेडियर जनरल कौन था। एक का नाम है राइट, ध्यान से सुनिएगा, ब्रिगेडियर जनरल आर डायर, ये सैनिक पदाधिकारी था, इसने अमृतसर में गोली चलवाई थी। और एक है लेफ्टिनेंट जनरल ओ डायर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो उस समय पंजाब का शासन प्रशासन संभाल रहे थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट, दूसरा तीसरा गलत है। स्टेटमेंट नंबर फोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपना नाइटहुड लौट आया था, ये बात बिल्कुल सही है। पांचवा, हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने भी अपना कैसरे हिंद का मेडल लौटा दिया था, यह भी बात सही है। कुल मिलाकर पहला, तीसरा और पांचवा स्टेटमेंट इसमें सही है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन जो जब यूपीएससी आपको एग्जाम देता है तो आपको चार जो ऑप्शन है उनमें से बेस्ट चुनना है। उनमें से अगर आप देखें तो पहला और चौथा केवल आपको इसमें मिल रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो योर राइट आंसर इज डी, एल डी। इसमें तीन स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऐसा तीन स्टेटमेंट आपके चार ऑप्शन में कहीं नहीं। तो जो बेस्ट ऑप्शन है उसमें पहला और चौथा सही है, पांचवा उसमें नहीं दिया है, तो डोंट वरी, तो पहले चौथे को आप टिक करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, शंकराचार्य के संदर्भ में निम्न तत्वों पर विचार करें। वह द्वैतवाद के प्रणेता थे, गलत बात है, वह द्वैतवाद के प्रणेता थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वह सगुण ब्राह्मण में, ब्राह्मण नहीं ब्रह्म है, वह सगुण ब्रह्म में, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लीज चेक कर लीजिएगा, टाइपिंग से मिस्टेक हो जाती है। वह सगुण ब्रह्म में विश्वास रखते थे, गलत बात है, वह निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखते थे। थर्ड, वह वेदों की विश्वसनीयता के सिद्धांत को खारिज करने वाले भारतीय दार्शनिकों में अग्रणी थे, सही बात है। उन्होंने मोक्ष के तीन मार्गों में ज्ञान मार्ग को तवज्जो दी थी, ज्ञान कर्म भक्ति और कर्म हिंदू धर्म के मोक्ष प्राप्ति के तीन साधन है, ज्ञान कर्म और भक्ति। उन्होंने ज्ञान को प्राथमिकता भी कहा कि अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो इंसान को मोक्ष मिल सकता है। इंग्लिश में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शंकराचार्य। नंबर वन, he was an exponent of the dvaitvada, this is wrong. second, he believed in sagun brahman, brahman nahi brahma, sagun brahma, this is also wrong. third one is he was one of the first indian philosopher to discard the theory of infallibility of the vedas, this is right. fourth, he was co-founder of the जन्म मार्ग एज वन ऑफ द थ्री वेज ऑफ द सेल्वेशन, दिस इज ज्ञान मार्ग, जन्म मार्ग नहीं, जना मार्ग की जगह पे ज्ञान मार्ग शब्द है, इसको टाइपिंग एरर है। फोर्थ स्टेटमेंट में ज्ञान मार्ग शब्द आप देखिएगा रोमन में, ज्ञान मार्ग, जी वाई ए एन ए एम ए आर जी ए, ज्ञान मार्ग, सो ज्ञान मार्ग इज राइट। सो स्टेटमेंट थ्री एंड फोर इज राइट, and here the option D is the actual right answer. So the right answer of the 61 question is D. 61 number विद्यार्थी हिंदी मीडियम वाले 61 number वाले क्वेश्चन में आप D को टाइप कर दें, जो तीसरा और चौथा सत्य कह रहा है। 62, कबीर व नानक की शिक्षा दो पक्षों के अतिरिक्त लगभग एक समान थी, वे दो थे। अब यहां पर आपको बताना है कबीर दास भी उसी समकाल में है जब गुरु नानक जी, इन दोनों में क्या समानता है क्या विभिन्नता, अगर ये आपको पता है तो आप इसका उत्तर बेहतर तरीके से दे सकते
पूछा है, कबीर व नानक की शिक्षा दो पक्षों के अतिरिक्त लगभग एक समान थी। पहला, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, ठीक है, ये दोनों किसकी बात करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, नहीं वो एक समान नहीं बात करते थे इसकी। नेक्स्ट है, ईश्वर तक पहुंचने की प्रथम, ईश्वर तक पहुंचने की प्रथम शर्त चरित्र व आचरण की शुद्धता पर जोर देना था। अब देखिए इसमें निगेटिव चीजें आपको पकड़नी है, कबीर व नानक की शिक्षा दो पक्षों के अतिरिक्त लगभग एक समान थी, वो क्या ऐसी बात थी जो इसमें समान नहीं थी वो आपको पकड़ना है। वो हिंदू मुस्लिम एकता को कहते थे, बात सही, ईश्वर तक पहुंचने की प्रथम शर्त चरित्र और आचरण की शुद्धता पर जोर देना है, ये बात दोनों नहीं कहते। तो दूसरा भाग ऐसा है जो दोनों में विभेद रखता है। तीसरा, जाति व धर्म की विभेद की उन्होंने निंदा की थी, दोनों ने चिन्ह है यानी दो समान है। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट थ्री, ये कबीर और नानक की सिमिलैरिटी है, लेकिन हमें ढूंढना है डिससिमिलैरिटी। तो डिससिमिलैरिटी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर टू, स्टेटमेंट नंबर फोर, एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, टू और फोर। आई रिपीट, ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल था, इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे। The teaching of Kabir and Nanak were almost similar, except in two respect. And you search the except. So you search the except except of two. वो exception क्या था? ये आपको ढूँढना है. What is the exception? What are those two? Number one, Hindu Muslim unity. They are common in that platform. Great stress on the purity of character and conduct as the first condition to reach God. This is the dissimilarity between Nanak and Kabira. And third one, condemnation of caste and creed. This distinction at these level both are similar. But again, what is the differentiation? Need of guru for guidance. It is the difference between Nanak and Kabira. So your right answer is B, two or four. नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित है? इसमें चार किताबें हैं और उनके लेखकों के नाम हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से मैच करते हैं। मृच्छकटिक के लेखक शूद्रक, ये बात सही है। बुद्ध चरित के लेखक लिखे गए हैं बशुबंधु, जो गलत है, इसके लेखक अशुभोष है। मुद्रा रक्षक के लेखक विशाखधत्त है। हर्ष चरित के बाण भट्ट। तो पहला, तीसरा और चौथा तीन जो मैच है वो सिमिलर है, सही है, और एक मैच इसमें रॉन्ग है। आपको कौन सा सही मैच है ये ढूंढना था। सो आपका सही विकल्प हो जाएगा एक, तीन और चार। सो बी ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। सूची एक और सूची दो का मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सत्य विकल्प का चयन करें। सूची एक में मॉडर्न इंडिया की कुछ घटनाएं और सूची दो में जो लिस्ट टू है उसमें रिलेटेड गवर्नर जनरल्स और यू कैन से वाइसरॉयज के नेम आपको उसको मार्क करना है कि कौन किसके साथ मैच करता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके समय हुई थी? लॉर्ड इरविन के समय हुई थी। सो यू कनेक्ट ए टू नंबर टू। नंबर टू इज 1935 का भारत शासन अधिनियम किसके समय में आया था? लॉर्ड विलिंगटन। सो यू कनेक्ट बी लाइन टू पॉइंट नंबर थ्री। थर्ड वन इज रॉलेट अधिनियम का निरसन किसके समय हुआ था? लॉर्ड रेडिंग के समय में। सो यू कनेक्ट पॉइंट सी टू पॉइंट वन। एंड क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था। सो यू कनेक्ट डी पॉइंट टू फोर पॉइंट। सो योर राइट आंसर इज टू थ्री वन फोर। ए इज रिलेटेड टू टू, बी इज रिलेटेड टू थ्री, सी इज रिलेटेड टू वन, एंड डी इज रिलेटेड टू फोर। और ऐसा विकल्प कहां दिया गया है? ऐसा विकल्प ए में दिया गया है। तो आपका सही विकल्प होगा ए। नेक्स्ट, भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की तीन विशिष्ट शैलियां थी, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों को चुनिए। तीन स्टेटमेंट हैं, आपको उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है सिर्फ वो चुनना है। पहला, वे हमेशा भौगोलिक सीमाओं के अनुसार होते थे, गलत बात। भारत में मंदिर निर्माण की तीन शैली, नागर, बेसर और द्रव्य। नागर शैली उत्तर भारतीय शैली है,
बेसल शरीर मध्य भारत की शरीर है, द्रविड़ शरीर दक्षिण भारत की शरीर, लेकिन ये हमेशा फॉलो हो ये जरूरी नहीं है। और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि वो हमेशा फॉलो की जाती थी, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपने से कुछ लोगों का ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने समझा कि सही बात तो है, किताबों में बताया गया उत्तर भारत की शैली, नागर शैली, दक्षिण भारत की शैली, द्रविड़ शैली, मध्य भारत की बेसल शैली, ये टेंटेटिव है, ये अनुमानित है। कई बार नागर शैली के मंदिर दक्षिण भारत में, जैसे पापनाथ का मंदिर, कई बार दक्षिण भारत के शैली के मंदिर उत्तर भारत में भी बने, तो ये एक्सेप्शन मिलते हैं हर जगह, तो ये फिक्स नहीं है कि इसे फॉलो किया जाए। सो नंबर वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नंबर टू, नागर शैली का मंदिर एक चौकोर संरचना होती थी जिसमें अनेक क्रमबद्ध प्रक्षेपण होते थे, सेकंड ऑप्शन इज राइट। थर्ड, द्रविड़ शैली के मंदिर में निरपवाद रूप से गर्भगृह एक संचारी हॉल और एक पिरामिडाकार स्तंभ के साथ स्थित होता था, ये बात बिल्कुल सही। सो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी। सो ये ऑप्शन सी इज राइट। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65, इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर हैड थ्री डिस्टिंक्ट स्टाइल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस, द पीक ऑफ द करेक्ट वंस। नंबर वन, सो दिस एंड पिक द करेक्ट वंस। नंबर वन, they always conform to geographical limits. No, this is not regularly. So this statement is wrong. Second, the Nagara style temple is a square with a number of graduated projections. It is right. Statement number three, Dravida style temple had the sanctum sila situated invariably with an ambulatory hall and a pyramid tower. This is right. So your option is statement 2 and 3 is right, and statement 2 and 3 is related with option C. So your option C is right. Next, question number 66. So milit kijiye, ek taraf list hai jisme kuch philosopher hai, dusri taraf list hai jisme related sects hai, yani dharmik sampradayon ke naam hai. आपको मैच करना है कि कौन सा फिलोसफर किस सेक्ट या संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। नंबर वन, नागार्जुन। नागार्जुन ने माध्यमिक कालिका यानी बौद्ध धर्म की एक शाखा से उनका संबंध है, और वो है माध्यमिक के संस्थापक हैं। सो ए को कनेक्ट कर दीजिए फोर के साथ। लकुलिस पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, तो बी को कनेक्ट कर दीजिए फाइव के साथ। शंकर यानी शंकराचार्य भी हम कहते हैं, ये अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, सी को टिक कर दीजिए थ्री के साथ। और वासो वीर शैववाद के संस्थापक हैं, क्योंकि इनकी फिलॉसफी वत्सव पुराण में मिलती है, जो लिंगायत संप्रदाय का आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ माना गया। इस प्रकार ए को फोर से, बी को फाइव से, सी को तीन से, और डी को दो से जोड़ी हो, ऐसा ऑप्शन या विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। So your answer is A. Next question. Question number 67. आधुनिक भारत में जातिगत चेतना और परिणाम स्वरूप निम्न जाति आंदोलन के प्रारंभ होने के निम्नलिखित में से कौन से कारक थे। स्टेटमेंट वन, पश्चिमी शिक्षा का विकास, इट इज राइट। एक समान भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता का प्रसार, इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट पॉइंट थ्री, स्टेटमेंट थ्री, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, इट इज ऑल्सो राइट। स्टेटमेंट फोर, समानता और सामाजिक समता पर आधारित आधुनिक राजनीतिक विचारों की लोकप्रियता, इट इज ऑल्सो राइट। सो ऑल आर करेक्ट, सो योर आंसर इज डी। चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट